यूपी विधानसभा चुनाव से पहले फिर बाहर आया जिन्ना का जिन। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना को बताया शर्मनाक। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के बीच अखिलेश पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा, भारत की जनता समाजवादी पार्टी के इस विभाजनकारी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगी, यूपी की जनता तो कतई नहीं। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है, तो उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की सोच को बताया तालिबानी। जिन्ना के महिमा मंडन की माफी की मांग। सीएम योगी बोले, सरदार पटेल को आजाद भारत को अखंड भारत में बदलने का श्रेय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पीएम मोदी का सपना। यूपी की सियासत में जिन्ना की फिर एंट्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया फ्रीडम फाइटर। हरदोई में अखिलेश ने जिन्ना की शान में पढ़े कसीदे, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और पटेल से की जिन्ना की तुलना। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर हमलावर हुई बीजेपी, मोहसिन रजा का ट्वीट, देश समझ ले जिन्नावादियों की हकीकत। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कसा तंज, कहा अखिलेश के ज्ञान को सुनकर अपना सर पकड़ लेंगे खुद मुलायम सिंह। यूपी के अमरोहा में संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ पर लटका मिला 16 साल की रेप पीड़िता का शव, पिता ने हत्या का लगाया आरोप। मृतक नाबालिग के पिता के मुताबिक 25 सितंबर को मोनू नाम के एक आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया, तहरीर लिखाने पहुंचे परिजनों पर पुलिस ने छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराने का दबाव डाला था, एसपी ने 3 आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। थाना प्रभारी आदमपुर और 2 सिपाही उनको निलंबित किया गया है। वर्तमान घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अखिलेश यादव ने उठाया अमरोहा में हुई रेप और हत्या की वारदात का मुद्दा, कहा रेप और हत्याकांड में कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को निलंबित करके बच नहीं सकती यूपी सरकार। अखिलेश बोले, अमरोहा रेप कांड के आरोपी के सितंबर से फरार होने का दिया हवाला, कहा सच ये है उत्तर प्रदेश में सरकार ही फरार है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की नई किश्त, ड्रग्स केस में आज सीधा बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर किया वार। नवाब मलिक के मुताबिक कई बीजेपी नेताओं के ड्रग पेडलर से हैं संबंध, देवेंद्र फडणवीस का ड्रग पेडलर जयदीप राणा से जोड़ा नाता, कहा ड्रग पेडलर से फडणवीस के संबंधों की होनी चाहिए जांच। नवाब मलिक का बहुत बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर होता है ड्रग्स का खेल। जो देवेंद्र जी का वजह है वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है, पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और जयदीप राणा की साथ साथ की तस्वीर भी ट्वीट की। मंत्री नवाब मलिक ने प्रदीप गाबा को बताया महाराष्ट्र में ड्रग्स के धंधे का बड़ा किरदार, किया सवाल बड़े बड़े ड्रग पेडलर क्यों और कैसे छोड़ दिए जाते हैं। नवाब मलिक ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पर भी किया पलटवार, कहा आरोपियों का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण, समीर वानखेड़े के परिजनों से क्यों मिले अठावले। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर किया पलटवार, अंडरवर्ल्ड से जुड़ा नवाब मलिक का संबंध, कहा दिवाली के बाद दूंगा सबूत। फडणवीस बोले, नवाब मलिक ने जुलाई में जलाई फुलझड़ी, दीपावली के बाद मैं फोड़ूंगा बम। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मेरी पत्नी एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मेरी पत्नी की जो फोटो नवाब मलिक ने दिखाई वो 4 साल पुरानी है, 4 साल बाद एनसीपी ने जयदीप राणा को गिरफ्तार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 4 साल पहले रिवर मार्च संगठन की क्रिएटिव टीम मुझसे मिलने आई थी, इसी दौरान जयदीप राणा ने खिंचवाई थी ये तस्वीर। फडणवीस ने कहा, मेरे साथ भी जयदीप ने तस्वीर खिंचवाई थी, साजिशन, उसे नवाब मलिक ने पोस्ट नहीं किया, पत्नी को बनाया मोहरा।
फडणवीस ने कहा नवाब मलिक के जमाई के घर गांजा मिला तो पूरी राष्ट्रवादी पार्टी ही ड्रग केस में संलिप्त मान ली जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। फडणवीस बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, ड्रग्स केस में जमाई का नाम आने से नवाब मलिक बौखलाए हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का भी नवाब मलिक पर पलटवार किया ट्वीट, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस के पलटवार पर किया वार, किया ट्वीट, कल दूंगा इनके आरोपों का जवाब। दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े, नवाब मलिक ने वानखेड़े पर फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने का लगाया है आरोप, समीर ने सौंपे दस्तावेज। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा वानखेड़े ने बताई अपनी व्यथा, सौंपे दस्तावेज, मैंने गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार से भी मांगी है जानकारी, दस्तावेजों की होगी पुख्ता जांच। विजय सांपला ने कहा दस्तावेज अधूरे नजर आने पर जांच के लिए टीम का होगा गठन। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा हमारा काम एक्शन लेना नहीं, अत्याचार रोकना है, चाहे वो समीर वानखेड़े हो या फिर कोई और। ये जो संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे। समीर वानखेड़े ने कल मुंबई में एससी राष्ट्रीय आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हलदर से मुलाकात की थी, पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे उनके घर। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज कराया बयान, कहा अब तक नहीं था मेरे और मेरे परिवार पर आरोप, सचिन वाजे और परमवीर की वजह से परिवार परेशान। ज्या परमवीर सिंघांनी माझ्यावर आरोप केले ते परमवीर सिंह आज कुठे आहेत। 19 महीने बाद आज से खुल गए दिल्ली के स्कूल, नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं आज गुलजार। दिल्ली में सुबह स्कूल पहुंचे छात्रों को सबसे पहले सिखाया गया सेहत का सबक, व्यायाम पर दिया जा रहा है जोर। दिल्ली के राजनिवास मार्ग पर बने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, मास्क में नजर आए सभी बच्चे लेकिन बिना मास्क के बच्चों को हिदायत देता दिखा एक शिक्षक। डीडीएमए ने 8वीं तक के क्लास के लिए जारी की गाइडलाइन, एक क्लास में 50% छात्रों को बिठाने की इजाजत। स्कूलों को डीडीएमए की सख्त हिदायत, किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। बिना वैक्सीन के स्टाफ को स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री, खाना और किताबों सहित किसी भी सामान को शेयर ना करने की हिदायत। आज से केरल में भी स्कूलों में पढ़ाई शुरू, कोविड नियमों को लेकर बच्चों को जागरूक करेंगे शिक्षक। देश में फिर बज रही कोरोना के खतरे की घंटी, धीरे धीरे कोरोना केस में इजाफा हो रहा है, 24 घंटे में 12,514 नए कोरोना केस सामने आए थे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 251 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में केरल में 7,167 नए कोरोना केस आए सामने, 167 लोगों की गई जान। फिर लगी पेट्रोल और डीजल के दामों में आग, 35-35 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। पिछले एक सप्ताह में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा, तेल भराने में जा रहा है जनता की कमाई का पैसा। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल का दाम 109.69 रुपए हुआ। डीजल भी दिल्ली में महंगाई का शतक जड़ने को तैयार, दिल्ली में एक लीटर डीजल का दाम अब 98.42 रुपए। बालाघाट में नहीं बुझ रही पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग, बालाघाट में एक लीटर पेट्रोल का दाम 121 रुपए के करीब। बालाघाट में सेंचुरी लगाकर महंगाई की पिच पर डटा है डीजल, एक लीटर डीजल का दाम 110.22 रुपए। दिल्ली में एलपीजी की कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 266.50 रुपए की बढ़ोतरी, एक सिलेंडर का दाम 2,000 रुपए के पार पहुंचा। प्रियंका गांधी ने उठाया महंगाई का मुद्दा, यूपी में महिलाओं के नाम लिखा खुला खत, उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बहनों आपका हर दिन संघर्षों से भरा है, आपके लिए कांग्रेस ने अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। प्रियंका ने महिला घोषणा पत्र में किया वादा, कांग्रेस की सरकार बनने पर साल में 3 भरे गैस सिलेंडर दिए जाएंगे मुफ्त। कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का वादा, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपए वेतन का वादा। कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी का भी वादा किया। कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में नए सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति का भी वादा, आरक्षण के प्रावधानों के मुताबिक होगी नियुक्ति। बुजुर्ग महिलाओं को प्रियंका का तोहफा, कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में 1,000 रुपए प्रतिमा वृद्धा और विधवा पेंशन का वादा। प्रियंका गांधी यूपी में टिकट वितरण में पहले ही 40% महिलाओं को टिकट देने का कर चुकी है ऐलान।
यूपी के लिए प्रियंका ने दिया नया चुनावी नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के जरिए कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। G20 समिट के बाद अब COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में गूंजेगा नमो मंत्र, हिंदी में होगा पीएम मोदी का भाषण, ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में होने वाले नुकसान के मद्देनजर अहम है पीएम का ग्लासगो दौरा, भारत पर टिकी है दुनिया की नजरें। कई अहम मुद्दों पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी पीएम मोदी करेंगे बात, शाम को होगी द्विपक्षीय वार्ता। कैसे दे विश्व को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। आज रात लीडर्स एक्शन एंड सॉलिडारिटी इवेंट में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री, कार्यक्रम में होगा पीएम का संबोधन। झारखंड के खूंटी में भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, हाईवे पर दो ट्रकों के बीच आमने सामने हुई टक्कर, भीषण हादसे के बाद ट्रक में ही फंस गए थे दोनों ट्रक ड्राइवर, हाईवे पर गलत दिशा से आ रहा था एक ट्रक। हादसे में एक ड्राइवर ने फौरन तोड़ा दम, दूसरा ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया, देर तक मदद की गुहार लगाता रहा लेकिन निकाला नहीं जा सका और उसकी भी मौत हो गई। अमृतसर पुलिस ने सुलझाई एक युवक की मौत की गुत्थी, आईफोन बेचने के दौरान खरीदार की बदली नियत, पैसे देने के बजाय कत्ल कर छीना था फोन। सोनीपत में रफ्तार का टूटा कहर, बेकाबू ट्रैक्टर ने दो छात्रों को कुचला, मौके पर हुई मौत। यूपी के औरैया में समाजसेवी संगठनों ने शहीद पार्क में जलाए दीप, 5100 दीप प्रज्वलित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि।